नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं 29 अगस्त 2017 के द हिंदू के संपादकीय को। इसमें जो हम संपादकीय डिस्कस करेंगे उसमें महत्वपूर्ण संपादकीय जो हैं उनको देख लेते हैं। ये पहला संपादकीय है इंडोनेशिया की वर्तमान स्थिति। पहला का मतलब यहाँ है जो मैंने पहला लिखा है, इंडोनेशिया की वर्तमान स्थिति पे एक संपादकीय दिया हुआ है, दूसरा है डोकलाम विवाद पे, तीसरा है भूगर्भीय इतिहास को खतरा। ये तीन आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं इंडोनेशिया की वर्तमान स्थिति पे जो आर्टिकल दिया हुआ है। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, तो जोको विडोडो हैं। ये बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, जनरल फैमिली से। ये कारपेंटर बढ़ई थे और धीरे धीरे देखिए कहाँ तक पहुँच गए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो आशा नहीं करते हैं वहां तक व्यक्ति पहुंचता है, देखते हैं हम। कभी कभी कहते नहीं कि दिन बदलते देर नहीं लगती, वैसा ही होता है। और जकार्ता के जो गवर्नर हैं वास्की जाजा हैं, ओणामा हैं, ये चीनी मूल के ईसाई हैं, है ना। तो ये हैं। और इंडोनेशिया के बारे में कहा जाता था, ये देखिए सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री के तौर पे इसको जाना, जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या यहाँ रहती है। और कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि इंडोनेशिया बहुत ही डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है। मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे ये माना जाता था कि जैसे मुस्लिम जहां भी पॉपुलेशन है माना जाता है कट्टरता बहुत ज्यादा होती है, धार्मिक कट्टरता ज्यादा होती है और असहिष्णुता होती है। लेकिन सहिष्णुता अब जैसे असहिष्णु होना है ना, असहिष्णु होना बहुत बुरी बात है आज समय, और इनको ये था कि वहां पे थोड़ी सहिष्णुता है। तो लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मुस्लिम बाहुल्य होने के बावजूद भी कट्टरता कम थी, ये इसका पॉजिटिव था। और अन्य धर्म के लोगों को भी सम्मान वहां मिलता था भले ही मुस्लिम बाहुल्य था, लेकिन अब वहां पे असहिष्णुता बढ़ रही है। और पूर्णामा ने काफी अच्छा काम किया था, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि लोग उस झांसे में ना आए जहां कुरान में लिखा गया है कि मुस्लिम को गैर मुस्लिम को अपना नेता नहीं बनाना चाहिए। और इन पर ईश निंदा का केस दर्ज हुआ और आरोप सिद्ध हुआ और इन्हें जेल भेज दिया गया। मतलब इनकी एक बात ने इनकी देखो पूरा करियर चौपट कर दिया और ये जेल पहुंच गया, है ना। तो इन्होंने कहा था क्या था कि लोग उस झांसे में ना आए जहां कुरान में लिखा गया है कि मुस्लिम को गैर मुस्लिम को अपना नेता नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। इस प्रकार मध्यम मार्गी नेता भी अपना अपने फायदे के लिए पहचान आधारित राजनीति का उपयोग कर रहे हैं, ये मुद्दा है इसका आर्टिकल का। और इंडोनेशिया व भारत का राष्ट्रवाद यूरोप से काफी अलग है। भाई यूरोप से काफी अलग है ना, हम सबको पता है वहां एक धर्म एक भाषा एक देश की बात, जबकि यहाँ विविधतापूर्ण समाज है। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल था, इसको हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा हमको जानना चाहिए, है ना, और इससे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं एक डोकलाम विवाद पे आर्टिकल। तो डोकलाम विवाद पे जो आर्टिकल है इसके बारे में, विवाद आप पूरा जानते हैं, कई आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं जिससे हमारा कम समय लगे, और इस समय वैसे भी जो यूपीपीसीए जो लोग दे रहे हैं उनके लिए अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए उनको। लेकिन बाई दिवे छूट रहा है तो आप इसको कैसे कवर करेंगे ये आप जाने, मैं तो अपना काम कोशिश कर रहा हूं कि चलता रहे। और चीन द्वारा सड़क बनाने पर भारत द्वारा आपत्ति, क्योंकि ये भूटान का भाग है, ऐसा मुद्दा। चीन ने कहा कि हमने सड़क बनाने के लिए पहले भारत को सूचित किया था, तो भारत ने कहा कि अगर चीन का भाग है तो सूचित क्यों किया था। अब देखिए मान लीजिए कि कोई एरिया है और इस पे आप कुछ गतिविधि कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई जमीन है, तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं जमीन हमारी है, और दूसरी तरफ जब इसको बनाने लगे तो दूसरा ए नाम का व्यक्ति बगल में रहता था उससे कह रहे हैं हमने ऑर्डर लिया है, तो ऑर्डर क्यों, जब ये आपकी है तो आपकी होनी चाहिए। तो ये तो खुद ही चीन अपने उसमें फंस गया। और 10 हफ्तों तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही, लग रहा था युद्ध हो जाएगा। खैर युद्ध का हमको कभी पक्ष नहीं लेना चाहिए, युद्ध बहुत बुरी चीज होती है। चीन ने काफी विवादित बयान भी दिए, लेकिन भारत ने संयम बनाए रखा और अंततः विवाद को कूटनीति की सहायता से सुलझा लिया। तो देखिए भारत हमेशा शांतिप्रियता चाहता है, शांतिप्रिय देश है और अच्छी बात है ये। भारत द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में जो शीघ्र ही डिस एंगेजमेंट ऑफ बॉर्डर पर्सनल का उल्लेख किया गया है ना, एक्सपेडिशियस मतलब शीघ्र ही। और ऐसा कहा गया है कि मतलब डोकलाम सड़क पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है ना, डोकलाम सड़क पर भी कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जल्दी ही ये ऐसा किया जाएगा। भारत के प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि भारत ने अपनी सेना हटा ली है और चीनी आर्मी वहां पेट्रोलिंग करती रहेगी और डोकलाम क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता बनाए रखेगी।
तो ये क्या है, देखिए कूटनीत का ये भाग है। एक तरफ भारत देखिए अपनी पक्ष मजबूत क्या कर रहा है कि हमारे हमारी सेना वहां से हट गई है, दूसरी तरफ कह रहा है चीनी सेना वहां पेट्रोलिंग करती रहेगी। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और कूटनीत का मतलब क्या है, गिव एंड टेक ही तो होता है। और दोनों में नरमी बरती, दोनों देखो नरमी तो दोनों देशों ने बरती है, अगर एक भी अग्रेसिव होकर आ जाता तो क्या हो जाता, लड़ाई हो जाती, युद्ध हो जाता। और दोनों ने सड़क का जिक्र नहीं किया, इसे हम जीत नहीं समझ सकते, न ही निश्चित हो सकते हैं कि चीन सड़क नहीं बनाएगा। ये बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए, मतलब ये कूटनीति तो हो सकती है लेकिन इससे ये निश्चित नहीं है कि आगे अब कोई विवाद नहीं होगा, चीन सड़क नहीं बनाएगा। और अंदरूनी रूप से कुछ और समझौता भी हुआ हो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है अंदरूनी तौर पर कुछ और समझौता हुआ हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण ढंग से विवाद सुलझा लिया गया। भूटान भी यही चाहता था, कुछ मामलों में हमारी कूटनीतिक जीत भी हुई है। भूटान भाई, भूटान क्या चाहेगा, भूटान युद्ध थोड़ी चाहेगा। और चीन के इतने दबाव के बाद भी हम पीछे नहीं हटे, ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। भूटान के साथ मैत्री संधि के बारे सॉरी वायदे को निभाया, भूटान के साथ जो हमारा मैत्री संधि का मैत्री संधि है हमारी, जो हमने वायदा कर रखा है कि कोई भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो उसको हमने निभाया। इससे पड़ोसियों के बीच भारत की एक साख मजबूत होगी। देखिए एक के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरा मित्र भी वैसे ही हमारे बारे में सोचता है, हमारी इमेज वैसी ही बनती है। तो अगर हम भूटान के साथ ऐसा कर रहे हैं तो दूसरा मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ ये उम्मीद करेगा कि हम उसके साथ भी अच्छा करेंगे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साख की बात है। और ब्रिक्स सम्मेलन से पहले विवाद सुलझाना अच्छा रहा, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि विवाद का साया सम्मेलन पर पड़े। भाई कोई ब्रिक्स सम्मेलन, देखिए ये जो इसमें ब्रिक्स में जो कंट्रीज है, याद रखिएगा हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, खैर जिन लोगों ने एक दो बार परीक्षा दी है कहीं भी तो उनका तो तैयार होता है। और तो वो नहीं चाहेगा कि इसका साया भी विवाद का उस पर पड़े, क्योंकि इससे स्थिति कमजोर होती है ना, वैश्विक स्तर पर हंसी भी उड़ती है कि देखिए ऐसा हो रहा है। 2012 में भारत और चीन के बीच में विशेष प्रतिनिधि वार्ता में कुछ बातों पर सहमति हो गई थी, जैसे भारत भूटान चीन के जंक्शन पर स्थित जो बारांगला है उसको लेकर हुई थी, है ना। और अभी के विवाद में ये समझौते भी खतरे में पड़ गए थे, जो विवाद चला था भाई, जो विवाद चलेगा तो समझौते खतरे में पड़ेंगे ही। भारत ने भी कह दिया कि सिक्किम की सीमा अभी शेटल्ड नहीं है, भारत ने भी ऐसा कहा। और दोनों देशों को सभी विवादित मुद्दों को सुलझा लेना चाहिए, ये हम सुझाव दे सकते हैं। और सबसे पहले शुरुआत नाथुला से करनी होगी, जो कैलाश मानसरोवर का मार्ग है, और इस विवाद के कारण चीन ने इसे बंद कर दिया था। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो इसके कई, एक तो एक कल्चरल है ना, धार्मिक, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमको काम करना चाहिए। अंत में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये विवाद डोकलाम को लेकर ही नहीं था, बल्कि बहुत से भू राजनीतिक मुद्दों को लेकर था। देखिए बहाना होता है एक, है ना, जैसे हम किसी से नाराज होते हैं तो कोई छोटी सी बात पे भी हम कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि वो छोटी बात के कारण हम उसे नाराज हैं, लेकिन तात्कालिक कारण ये होता है। जैसे कोई भी युद्ध हुआ तो उसका तात्कालिक कारण, 1857 का संग्राम हुआ तो तात्कालिक कारण, चर्बी वाला कारतूस हम एक महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं, लेकिन केवल वही नहीं था ना, चीन के प्रभुत्व को लेकर था। भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि भारत को ऐसे विवादों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना, और भारत को इस विवाद से सीख लेते हुए कुछ कदम उठाने की बात ये राइटर जो लेखक महोदय कह रहे हैं कि सीमा पर सेना की आधारभूत संरचना जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पिछले आर्टिकल में हम बात कर चुके हैं, आधारभूत संरचना को मजबूत करना चाहिए। और जो भी हथियार खरीदने हैं जल्दी खरीदने होंगे, वैसे तो डिप्लोमेसी की जीत हुई है लेकिन चीन में हमारे जो कूटनीतिज्ञ हैं उनकी भूमिका कुछ खास नहीं दिखी, है ना, हम जीते तो लेकिन वहां पे जो हमारे सही से काम नहीं कर पाए, इसकी आलोचना भी बहुत बार हुई है। अन्य पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका आदि से उदासीन रवैया अपनाया जो भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारे साथी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, है ना, ठीक है चीन के साथ भी इनका संबंध है, लेकिन कम से कम एक सामान्य बात तो ये कर ही सकते थे। जबकि जापान यूएसए ने भारत का साथ दिया, जापान तो पूरी तरह से भारत का साथ दे ही रहा है, यूएसए की भी स्थिति कोई बहुत खराब नहीं है, भारत के साथ जो व्यवहार वो कर रहा है वो ठीक ही है। ये आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ, आगे एक आर्टिकल दिया है भूगर्भीय विरासत को खतरा, इसके संबंध में आइए इसको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। भूगर्भीय विरासत, संसाधन, जीवाश्म, है ना, प्राचीन गुफाएं जैसे भीमबेटका, अजंता आदि, ये सारी भूगर्भीय विरासत है हमारी, और इन सबको हम संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, जबकि ये इतिहास जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल की हमारी पीढ़ी जो आज की चीजें हैं उनको देखकर जानेगी, आज हम जो जान पा रहे हैं वो कल की चीजों, जो बीता हुआ कल है उसके चीजों को देख के जान पा रहे हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण है, हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और पूरे विश्व का 30% पत्थर उत्पादन भारत में होता है, इससे ही से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुदाई होती है, मार्बल, ग्रेनाइट, कितना खुदाई होती है, और खुदाई अनियमित तौर पर होती है, पब्लिक
स्कूटनी नहीं होती है, पर्यावरण नियमों का उल्लंघन होता है सर। पर्यावरण के नियमों ताक पर रख के ये सब काम किए जाते हैं जो गलत है। भारत में 10% हिस्से पर खनन गतिविधियां होती हैं, अगर इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम ये विरासत सदा के लिए खो देंगे। कितनी बड़ी ये चिंता की बात है, हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार देखिए, सरकार बहुत बार नियम कानून बनाती है लेकिन उसकी धज्जियां कौन उड़ाता है? आम नागरिक। सतत संरक्षण दृष्टिकोण की आवश्यकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, पर्यावरण कानूनों को की तरह भूगर्भीय विरासत संरक्षण कानून भी बनाए जाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इस पे ध्यान अभी कम दिया जा रहा है लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है साल दो साल पांच साल में इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। कोर्ट ही कुछ कर सकती है ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपी में कुछ कार्य हुआ है, ऐसे ही केंद्र स्तर पर पूरे देश में हो। संरक्षण के कुछ उदाहरण है जैसे कोलार स्वर्ण खदान को भूगर्भीय म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया, कर सकते हैं और छात्रों को इससे जानकारी मिलेगी, ऐसा ये कर सकते हैं, सुझाव दे रहे हैं लेखक। और कुछ और भी चीजें आती हैं जैसे प्रवाल भित्ति है ना, और कोस्टल डून्स, आद्र भूमि, इन सारी चीजों को। और जैसे रणाप कच्छ के इलाके में 200 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा करें हम कि उसको संरक्षित करें, है ना। और एक तरफ हम मानव सभ्यता की ये कह रहे हैं कि एक तरफ हम मानव सभ्यता की उत्पत्ति जानने के लिए मंगल तक जा रहे हैं, भाई पश्चिम की सबसे बड़ी कोशिश क्या है? मंगल तक जाना है ना, बार बार वही तो, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं वहीं से प्रेरित होके। और दूसरी ओर हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद साधनों को ही नष्ट कर दे रहे हैं। अब जब अपने साधन को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं तो मंगल जाके वहां भी नष्ट करने के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं। और इस क्षेत्र में हम जापान से सीख ले सकते हैं। कोबे क्षेत्र में भूकंप आया था, कोबे क्षेत्र है जापान का, और उसने उससे बड़ी बनी जो भ्रंश रेखा को उन्होंने क्या किया, मेमोरियल पार्क में तब्दील करके संभाल कर रखा है। आप देखिए, उन्होंने एक कैलेमिटी को, एक डिजास्टर को क्या किया, उसको एक मेमोरियल पार्क में तब्दील कर दिया। देखिए कितनी बढ़िया बात है ना। और 1993 में भारत के लातूर में भी भूकंप आया था लेकिन यहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2004 में सुनामी के बाद असलाकृतियां थी, उनको संभाल कर रखना चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि इससे काफी कुछ हमको सीख सकते थे कि कैसा नुकसान हो सकता है, है ना, और उससे हम सबक ले सकते थे, तैयारी कर सकते थे, प्लानिंग कर सकते थे, तो इन सब योजनाओं को बनाया जा सकता था। लेकिन आपदा प्रबंधन का ये पार्ट होना चाहिए, आपदा प्रबंधन में भी सहयोगी ये साबित हो सकता था। अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक एजेंसी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी है ये सब, और उनकी वेबसाइट पर उल्लेख भी है कि 26 स्थलों को संरक्षण के लिए चयनित किया गया है। पर जैसे रन ऑफ कच्छ के इलाके में 200 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, और एक तरफ है ना, ये देखिए कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये शायद दो बार ये हो गया है, इसको हटा देते हैं। जमीनी स्तर पर ऐसे कदम नहीं उठाए गए, ये पीडीएफ दो बार हो गया है, सॉरी ये मैं खींच के इसको फोटो इस पे लाता हूं ना, तो सॉरी इसको आप पीडीएफ भी पड़ेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। पर हम क्या कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं, यानी भारत नहीं उठा पा रहा है। और जीएसआई जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सभी स्थलों का आंकड़ा तैयार करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि सरकार के किसी कार्यक्रम से उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। तो ये ऐसा करें तो इससे काफी लाभ हो सकता है, हमारे जो भूस्थलाकृतियां हैं ये संरक्षित हो सकती हैं। आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और मैं आपको बताऊं कि ये जो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें थोड़ा सा समय लगता है, इस कारण से थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें तभी ये मेहनत सफल है। इसको शेयर करें, बहुत बहुत धन्यवाद।